और उसके बाद देखेंगे, ट्राई पूरा करना है कि इस बार वो जो उड़न खटोला है, उड़न खटोला उसमें बैठ के जाएं। क्योंकि मतलब जितनी बार भी मैं यहाँ पे आया हूँ, भैरव बाबा के ना ऐसे चढ़ाई करके ही गया है, तो इस बार दिल कर रहा है कि उड़न खटोले में जाए। रोपवे की लाइन में लग ही गए थे काफी देर पहले, और अभी बस लाइन तो मतलब भवन के पास से लाइन शुरू हो रही है। वो देखो बाहर से लाइन आ रही है पूरी, काफी टाइम हो गया लगे हुए लाइन में, तो अभी इधर जाना है हमें, तो बस चलते जा रहे हैं आराम आराम से। देखते हैं कितनी देर में अपना नंबर आएगा। और टिकट का प्राइस है 100 रुपीज़, जिसमें अप डाउन होगा इंक्लूडेड। जितनी देर ऊपर रहना है आपको रहिए और फिर नीचे आइए, मतलब और होता है इवनिंग तक की अवेलेबल, 5 या 6 बजे बंद हो जाता है, फिर तो उससे पहले आपको वापस आना पड़ता है। ओहो, क्या क्या ही मौसम हो गया यहाँ पे, मिनट और सेकंड से ना मौसम बदलता है। जस्ट लुक एट द व्यू, और ये सामने माता जी का भवन। हाँ मतलब मैं बोलते इसी को है, बट दर्शन जब करते हैं ना वो उधर वाली साइड से जाते हैं, बैक साइड में वहाँ पे दर्शन होते हैं गुफा के अंदर। ओ भाई साहब दे सामने बनाई जाता जतिन वही डोल रही है ये तो। इधर देखो ओए जतिन, सो दिस इज द रोपवे गाइस। देखिए कहाँ पे आ गए हैं हम, वहाँ से चले थे नीचे से, और ये सेकंड ट्रॉली जा रही है उड़न खटोला। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं भैरव बाबा के मंदिर में, और इधर सारा मतलब साइड में पूरा क्लाउड्स आ गए हैं, एकदम काइंड ऑफ कोहरा हो गया और कुछ भी दिख नहीं रहा। अभी हम ऊपर आए हैं ना, पहले ऊपर नहीं थे, अभी प्रसाद लेते हैं। तो दोस्तों भैरव बाबा के भी दर्शन कर लिए हैं, और भीड़ ऐसी है कुछ, और यहाँ पे एकदम से क्लाउड्स आ गए सारे, सारा व्यू मतलब यहाँ पे मतलब ना सभी फोटोज खिंचवाते हैं, तो सारा व्यू ब्लैंक हो गया अभी। जस्ट जब हम ट्रॉली में थे ना, तब एकदम सा क्लियर था व्यू। सो फाइनली भैरव बाबा के दर्शन कर लिए हैं, यह मंदिर भैरव बाबा का ये देखिए, और सारा व्यू तो कुछ है नहीं, क्लाउडी हो गया सारा, सारे बादल हो गए हैं इधर, और इधर भी आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, वो वहाँ पे दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, और बाकी कुछ है नहीं ऐसा। कार जूम करता हुआ यार, पूरा करता है। हाँ तो इधर खड़े हैं मम्मी पापा, और भाई भीड़ बहुत ज्यादा है आज, ये देखिए। बारिश किसी भी वक्त आ सकती है, तो कैमरा जल्दी से अंदर डालना पड़ेगा। तो मौसम काफी खराब हो गया है,
अभी बैठने के लिए जगह मिली है इधर। थोड़ी देर फोटोशूट चलेगा, उसके बाद फिर हम जाएंगे नीचे रोपवे में अपना, और रोपवे से नीचे जाएंगे। और इधर सारे बादल ही बादल है। इट्स टाइम टू गो फ्रॉम हेयर। अभी जा रहे हैं हम अपने उड़न खटोले के पास, बैठ के नीचे जाएंगे उसमें और बाय बाय बोलते हैं इस प्लेस को। यहाँ पे ना फोटोशूट बहुत बढ़िया होता है, बट समहाउ आज वेदर हमारा साथ नहीं दे रहा। नीचे पक्का बारिश पड़ रही होगी, इसीलिए यहाँ पे इतने सारे बादल हैं। और चलो चलते हैं अभी। बोलो भैरव बाबा की जय, बोलो माता रानी की जय। बोलो संकट मोचन हनुमान की जय। दरवाजे के बीच खड़े ना संभाल कर रखिए। भैरू मंदिर में उतरते समय दरवाजा दाईं तरफ खुलेगा और भवन में उतरते समय उड़न खटोले से हम वापिस मतलब निकल के अभी वापिस जा रहे हैं। ओ भोले बाबा। तो हमें 40 मिनट लगे बस ऊपर, ज़्यादा नहीं लगा, और हम नीचे भी आ गए हैं अभी। वो देखो ऊपर से आ रही है एक और ट्रॉली। सो गाइज इट्स 256 और 18 तारीख है आज, जाके आपने देख लिया होगा। और हम 10:15 बजे पहुँचे थे, अभी मतलब 3 बज गया ऑलमोस्ट। और हमने मतलब माता के भवन पे भी माथा टेक लिया, मतलब दर्शन कर लिया, और उसके बाद भैरव बाबा के भी दर्शन कर लिया, और अभी हम वापस जा रहे हैं। पहले तो सोचा था कि अपना बैटरी कार में जाएंगे, बट उसमें 55 एज के प्लस ही बंदे जाते हैं, जो भी मतलब 55 साल से ज़्यादा होता है, 55 प्लस एज होनी चाहिए आपकी, तभी बैटरी कार मिलेगी आपको। और बस अभी हम चलते जा रहे हैं, क्योंकि उसकी तो हमें टिकट मिली नहीं, इसीलिए हम जा रहे हैं पैदल। अभी इधर से आधा रास्ता हम पुराना जाएंगे, मतलब यही वाला, और बाकी मेरे हिसाब से नए वाले से जाएंगे। बस होपफुली नीचे ना बारिश ना हो रही हो, दैट्स व्हाट ऑल आई वांट। अभी आ गई है धूप फिर से। ऊपर जब थे भैरव बाबा के तब तो एकदम क्लाउडी था सब। तो अभी हमारी आंखों के सामने पीछे मतलब ऊपर शेड पे कितना बड़ा पत्थर का भी गिरा, सारे बंदे डर गए थे। मैं भी वापस चला गया था, बस अभी भाग के निकले हम वहाँ से। और पता नहीं क्या कितना बड़ा ना मतलब शेड में कितना बड़ा होल हो गया था एक्चुअली ना। वो देखिए ऊपर, वो इन्होंने सुरक्षा के लिए आपके हमारी सबके लिए ये ना यहाँ पे फोकस बज नहीं रहा यार, तो ये आप जाली देख सकते हो, इन्होंने ना ये लगाई है कि ऊपर से पत्थर गिरता है, तो वही ऊपर से ना वहाँ पे पत्थर गिरा था शेड पे, वहाँ से हम भाग के आए हैं अभी। हाँ ब्लर है थोड़ा सा, सॉरी फोकस नहीं हो रहा। हाँ अभी दिख रहा होगा, यहाँ पे गिरा था पत्थर, यहाँ से हम अभी भाग के आए हैं। ये ऊपर उन्होंने पहले से ही लगा रखा है कुछ, ये देखिए। आप सभी को एक और चीज़ दिखाते हैं, ये देखिए सारी जनता टेबल से उठ के ना मतलब यहाँ पे बैठी हुई थी, सारी जनता भाग गई यहाँ से। तो हमने ये नया रास्ता ले लिया अभी ताराकोटा वाला, मतलब जब नीचे आते हो ना तो दो रास्तों में मतलब डिवाइड हो जाती है रूट्स, एक जाता है अर्धकुंवारी वाली साइड से और एक ये न्यू ताराकोटा वाला रोड जो है इधर से। तो हम इधर से नीचे जा रहे हैं, और एकदम मतलब यहाँ पे आवाजाही कम है, ज़्यादा लोग नहीं यहाँ से आते जाते, तो इसलिए भीड़ भी कम होती है, आराम से चलते रहो। हाँ तो बस हम चलते जा रहे हैं। तो गाइस 5 बज गए, मम्मी पापा आगे चले गए हैं, मैं और भाई यहाँ पे बैठे हैं आपको अपडेट देने के लिए। और ये ताराकोटा वाला जो रूट है मतलब प्रॉपर सुन पड़ा होता है, यहाँ पे CRPF वालों की ड्यूटी लगाई होती है, अगर मतलब
कुछ ऐसा गलत ना हो जाए। तो ये देखिए सारा रूट खाली पड़ा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए सारा खाली पड़ा, सुनसान पड़ा सारा रूट। सुबह सुबह मतलब अगर तो 4:15 बजे सुबह सुबह आप ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हो इस रूट को, मतलब मैं तो प्रेफर नहीं करता, बाकी आपके ऊपर है। और अभी बस पेट पूजा हुई है थोड़ी बहुत और चलते हैं, अभी पैर वगैरह काफ़ी दुख रहे हैं, इसके बाद जल्दी से जाते हैं अपने रूम पे, जाके थोड़ी देर सोएंगे और उसके बाद हमें फिर अपना फूड व्लॉग भी शूट करने जाना है। सो इधर अभी सनसेट हो जाएगा थोड़ी देर में, साथ में मम्मी भी चल रहे हैं, हो गई बस के जो ये ताराकोटा वाला रास्ता है इसमें मतलब आपको शॉप्स वगैरह नहीं मिलेगी, एक मिलेगा जी का लंगर, वो लंगर मिलेगा आपको, वो 24 घंटे चलता है, बाकी आपको शॉप्स वगैरह बिल्कुल नहीं मिलने वाली, मतलब 2-4 शॉप्स है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं है, मार्केट तो इधर है ही नहीं। और ये इधर आप देख सकते हो, पता नहीं दिख रहा होगा कि पूरा फोकस मेरे पे ही है। और लंगर इधर चल रहा है, मैं दिखाता हूँ, इधर लंगर चलता है और इधर फाउंटेन वगैरह चल रहे हैं। तो यहाँ पे श्राइन बोर्ड का लंगर लगता है जो कि 24 घंटे चलता रहता है, आपको इस रूट पे बस यही मिलेगा खाने पीने के लिए, और एक दो शॉप्स होंगी हार्डली, बाकी ज्यादा है नहीं, वो भी शॉप्स में चॉकलेट्स और सैंडविच, हाँ बर्गर और सैंडविच वगैरह होते हैं, सैंडविच है ओनली। चलो और हम भी अभी पेट पूजा करके आते हैं, लंगर खा के आते हैं, अगर अंदर शूट करना अलाउड हुआ तो जरूर करेंगे, मतलब जरूर करेंगे, नहीं तो कैमरा कर देंगे यहीं पे बंद हम। और पैर बहुत ज्यादा दुख रहे हैं मेरे तो, क्या व्यू है यार बैक साइड में, द व्यू इज लिट मैन। तो लंगर में मिला है हमें चने की दाल और चावल और साथ में मतलब प्रसाद है ये माता जी का प्रसाद, चने के चावल मतलब चने की दाल और चावल साथ में हलवा। The cleanliness is awesome here. मजा आ गया, क्या साफ जगह है यार। तो माता जी का लंगर प्रसाद खा के हम निकल गए हैं, और ये देखिए वो नीचे सारी कटरा सिटी, आई होप आप सभी को दिख रही होगी। बस अभी जल्दी से नीचे पहुंचते हैं और रूम पे जाके आराम से मतलब फ्रेश होके आराम करेंगे, एक्चुअली ना थकान काफ़ी हो गई है, पैर और लेग्स काफ़ी पेन कर रहे हैं, तो एनर्जी बची नहीं है वीडियो वगैरह बनाने की, स्टिल आई एम जस्ट शूटिंग दी थिंग्स वट एवर आई कैन। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया, ठीक है। और फिर रात को हमने बस स्टैंड में भी बुकिंग करवाने जाना है अपना शिव खोड़ी के लिए, तो देखो क्या बनता है, या नहीं तो मॉर्निंग में ही लेंगे फिर सीधा टिकट और फिर जाएंगे। तो आज का एपिसोड तो देख ही लिया होगा आपने, और जब भी ये ख़त्म होगा देख लेंगे। तो कल के एपिसोड के लिए भी स्टे ट्यून्ड, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लो अगर अभी तक नहीं की है, क्योंकि अब बढ़िया बढ़िया वीडियोस आती रहेंगी चैनल पर। और इसी व्यू के नाम पे एक लाइक शेयर और कमेंट तो बनता है, कर देना भूलना मत प्लीज़। बस अंधेरा भी होने वाला है इधर, मतलब बैक वाली साइड में ना प्रॉपर काले मतलब काले बादल है, बारिश कभी भी पड़ सकती है, इधर हल्का सा क्लियर है, बाकी चलता जा रहा हूँ मैं, बाकी सब आगे हैं, हाँ देखते हैं
जहाँ पे टाइम लगेगा फिर शूट करेंगे। अभी तो मेरी बाजू दुख रही है तो मैं रखने वाला हूँ अपने कैमरा को अंदर। सो गाइज इट्स 6:41 और अप्रोक्सीमेट हम पहुँचने वाले हैं। 500 मीटर रह गया बस यहाँ से। न्यू ट्रैक तारा कोटे मार्ग। तो गाइज़ आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।